मैं आ रहा हूं, उमेश जी मैं आपके पास आऊंगा। शुभ्रास्ता जी, शिंदे जी का पलड़ा भारी या उद्धव जी का पलड़ा भारी, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? नंबर गेम भी चल रहा है, प्रेशर टैक्टिक्स भी चल रही है, सूरत टू गुवाहाटी भी चल रहा है, महाभारत महाराष्ट्र में है, फैसला गुजरात में, वो सब भी चल रहा है, किसका पलड़ा भारी है? अमन जी, मुझे लगता है कि शिंदे जी ने जो जो भी कदम लिए हैं उसको लेकर के उद्धव जी थोड़ा तो बौखलाए हुए हैं, यही वजह है कि उनको आकर के आज एड्रेस करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि शिंदे जी का पलड़ा इस हिसाब से भारी जरूर लग रहा है, लेकिन जो मैंने पहले बात कही थी, उद्धव जी के बॉडी लैंग्वेज से, उनके उनका जो स्टेटमेंट आज आया, उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शिवसेना और बीजेपी का ही अलायंस अगर हो जाए तो इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। इसीलिए पलड़ा अभी किसका भारी होगा किसका नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएशन और स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है। ठीक, हर्षवर्धन जी, बीजेपी शिवसेना फिर से ये वन ऑन वन है नेगोशिएशन टैक्टिक्स का, बीजेपी शिवसेना फिर से साथ साथ, ये भी इसकी भी संभावना है। शिंदे जी ने शर्त रख दी है, मुझे पीडीपी के साथ फिर जाएगी, फिर क्या होगा कल को बीजेपी? विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर क्या होगा? विक्रम जी आप बोलिए, विक्रम जी बोलिए बोलिए, विक्रम जी बोलिए बोलिए, बीजेपी से अलायंस नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि शिवसेना बीजेपी के साथ जाना चाहिए, बीजेपी कल को फिर पीडीपी के साथ चली गई, फिर क्या होगा? तो आपने पीडीपी के चक्कर में बीजेपी का हाथ छोड़ा था क्या? पीडीपी के साथ चली गई, फिर क्या होगा? आप नया ऐसे उद्घाटन कर रहे हैं, आपने पीडीपी की वजह से बीजेपी का साथ छोड़ा था क्या? विक्रम जी, महाराष्ट्र के लोग तो कह रहे हैं धोखा दिया, वोट दिया बीजेपी शिवसेना को, सरकार बनाने कांग्रेस उसका बताएं, अगर बीजेपी चली गई पीडीपी के साथ तो फिर क्या होगा, ये तो बताइए जरा। अरे तो हिसाब बराबर होगा, आप भी चले गए कांग्रेस एनसीपी के साथ। अरे तो कांग्रेस तो कोई हिंदू, कांग्रेस तो मंदिर जा रही है, तो आप करो मंदिर क्यों जा रही है? अरे कांग्रेस को इतना असर पड़ गया शिवसेना का कि वो हिंदुवादी मंदिर जा रहे हैं तो भी आपको तकलीफ है? नहीं, तकलीफ आप चाहते नहीं क्या है। आप क्या चाहते हो? हिंदुत्व मारने और काटने का नाम है हिंदुत्व, राहुल गांधी ने कहा है, हिंदू मारने और काटने का नाम है हिंदुत्व। राहुल गांधी अगर मंदिर जा रहा है तो भी आपको तकलीफ है क्या? नहीं, किसी को तकलीफ नहीं, मंदिर जाने से तकलीफ नहीं है, जो मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ते हैं उससे तकलीफ है, जो वो स्टेटमेंट देते हैं, मंदिर जाने से किसी को टेंशन नहीं है, हिंदू आतंकवाद उससे टेंशन है, मारने काटने का नाम है हिंदुत्व उससे टेंशन है, लश्कर से ज्यादा खतरनाक हिंदू आतंकवाद टिमोथी जे रोमर, विकिलीक्स केबल, उससे प्रॉब्लम है। और 10 उदाहरण दे दूं आपको। पीडीपी ने किसकी तारीफ करी थी? पीडीपी ने अफजल गुरु जिसने संसद को दहलाया था। एक मिनट, आपके पीडीपी से आगे बढ़िए ना भाई, वो क्या था? पीडीपी के चक्कर में गठबंधन तोड़ दिया, मुझे नहीं पता था ये, आज आपने बताया। एक मिनट शुभ्रास्ता जी बोलिए, फिर मैं त्रिपाठी जा रहा हूँ, जल्दी से शुभ्रास्ता को बोलना चाहिए। आप हमेशा करते रहते हो, ठीक है विक्रम जी, एक मिनट भूल जाओ जी, शुभ्रास्ता जल्दी से, फिर मैं आ रहा हूँ त्रिपाठी जी। विक्रम जी, मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये सुनकर के कि आपको पीडीपी और बीजेपी के अलायंस से दिक्कत है, लेकिन पालघर वाले इशू पे जब एनसीपी ने आपका साथ नहीं दिया, जब कांग्रेस ने आपका साथ नहीं दिया, तो आपको वैचारिक समझ में नहीं आई बात ऐसी। देखिए, नंबर की बात है, आपने एक बार भी बोला विक्रम जी, आपको सिर्फ विक्रम जी, आप एक नेता है, विक्रम जी आप एक नेता है, आप ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे कि ये नंबर का खेल है और किसी को बदनाम? ये संख्या का खेल है विक्रम जी, इसको वैचारिकी से मत जोड़िए। वो काम आप कर रहे हो, आप क्या कोई बदनाम नहीं कर रहा, मैं तो कह रही हूँ नंबर आपके पास है तो फिर आप कोई भी अलायंस के साथ रहिए, आप कुछ भी जस्टिफाई कर लेंगे। आज आपके पास नंबर, या वो धार्मिक लगातार बोलते हैं अमन जी, ये सुन नहीं पाते ये लोग, सुनना नहीं चाहते कुछ भी, कुछ दिखता नहीं, सिंपल से सब मैं पूछ रही हूँ आपसे, संख्या आपके लिए जरूरी है या वैचारिक की? संख्या या वैचारिक? घर वाली चाबी दिमाग में भर दी गई है, चाबी दिमाग में भर दी गई है, जाओ साधुओं को मारो, मुझे बोला था क्या मैं उनसे? छोड़िए पालघर वाली बात, में क्या हुआ, इनकी फट पिटी है, अपने कार्यकर्ताओं से पूछे। अपने दो साधुओं को मारा गया था, आपको पता है क्या नाम थे उनके? नहीं मुझे पता है, क्या नाम थे उनके बताइए? मुझे पता है क्या नाम थे उनके? कल्पवृक्ष महाराज और नरेश गिरिजी महाराज, सुशील गिरिजी महाराज, सारा पता है। हाँ, कल्पवृक्ष गिरिजी महाराज से पूछो, आप कह रहे हैं चाबी भर दी गई है, जरा नाम पूछो, साधुओं को मार दिया, आप कह रहे हैं चाबी भर दी गई है। अमन जी, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, ठीक है शुभ्रास्ता, मैं बोलना चाहती हूँ, शुभ्रास्ता बोलना चाह रही है, अगर आपको इजाजत हो एक एक करके बोलिए। मैंने बहुत बहुत आराम से सुना आपको, मैंने आराम से एक एक करके, मैं आपसे बहुत क्लियरली पूछ रही हूँ, आपके लिए आज के डेट में जब आपके यहाँ क्या सुनिए, सुना कीजिए प्रश्न, आप इन्हीं को बोलने दीजिए अमन जी, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकती, ऐसे कैसे हो सकती है, लगातार बोलते हैं ये। हाँ मैंने शांत करा दिया, एक मिनट विक्रम जी, इतना इंपेशेंस क्यों है भाई? सरकार जा रही है,
आप कह रहे इंपेशेंट क्यों सरकार जा रही है? आपके नेता आकर के लाइव कर रहे हैं, आपकी सरकार हिल रही है इस टाइम पे। आप आज ऑन कैमरा बताइए, आपके लिए संख्या महत्वपूर्ण नहीं है वैचारिक की? आज के डेट में विपक्ष में बैठेंगे, कह तो रहे हैं आज के डेट में बताइए। आज बुधवार है, आज की तरह तो नहीं है कि बुधवार के दिन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, संख्या या वैचारिक की? सुबह 4 बजे जाके शपथ ले लो, इतनी जल्दबाजी इतनी क्या बोल रहे विक्रम जी? मुझे लगता है आप हिल गए अंदर से, हिल गए 4 बजे जाके शपथ ले ली, आप कुछ भी बोल रहे हैं। अरे हम क्यों हिलेंगे, आप कुछ भी बोल रहे हैं, आपसे सवाल कुछ पूछा जा रहा है, जवाब कुछ दे रहे हैं। आप हिले हुए थे या क्या? पालघर के साधुओं के बारे में आपने कह दिया चाबी भर दी गई, आपको अपने कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं सुनाई दी विक्रम जी? आज जब आपके कार्यकर्ता चढ़ करके आपसे न्याय मांग रहे हैं तब आपको समझ में आ रहा है? तो आप कह दीजिए ना, आज बुधवार की शाम को आप कह दीजिए हमारे लिए केवल वैचारिक की जरूरी है, हम संख्या पे ध्यान नहीं देते। कह दीजिए, वो बचती है, कह दीजिए ना विक्रम जी। अरे आप कह दीजिए, हिंदुत्व के इतने बड़े पुरोधा बन रहे हैं, कह दीजिए। दूसरे साधु आपके दुश्मन है या वो धार्मिक नहीं है? एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, सत्ता या सिद्धांत? शुभरास्ता का सवाल है सत्ता या सिद्धांत? सत्ता के लिए सिद्धांतों से समझौता किया, अब आपके लिए सत्ता जरूरी है सिद्धांत? इसी सवाल के साथ लौटूंगा, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं विक्रम जी, थोड़ा ब्रेक लगाइए।